हेलो दोस्तों, मैं स्निग्धा आज आप सभी को ले चलती हूँ एक शॉर्ट ट्रिप पे। और हम जा रहे हैं डेनमार्क की एक बहुत ही सुंदर जगह स्टीवेंसक्लिंट। कोपेनहेगन सेंट्रल से लेके स्टीवेंसक्लिंट तक की जो रोड ट्रिप है वो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि ऑटम सीजन में पत्तों के कलर चेंज होने लगते हैं और चारों ओर एक अलग सा ही समा बन जाता है। तो एंजॉय करिए ये रोड ट्रिप। हम लोग पहुंच गए हैं स्टीवेंसक्लिंट। कोपेनहेगन सेंट्रल से हम लोगों ने जर्नी शुरू किया था और कार से करीब 1 घंटा 15 मिनट लगा था हम लोगों को स्टीवेंसक्लिंट पहुंचने में। 23 जून 2014 को स्टीवेंसक्लिंट और वॉर्डन सी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया था। यहाँ पे हुए हुप चर्च है जहाँ से आप स्टीवेंसक्लिंट की ब्यूटी को और भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये चर्च में ऑफिशियली चर्च की जो रिचुअल्स होती है वो अभी नहीं होते हैं, बट इट इज़ वेरी पॉपुलर टू गेट मैरिड इन। हर साल 150 से भी ज़्यादा शादियाँ होती है ये चर्च में, और उनमें से ज़्यादातर फॉरेन कपल्स होते हैं जो कि ये स्पेशल एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत दूर से आते हैं। हुए हुप चर्च में एंट्री फ्री है, पर अगर कोई शादी चल रही हो तो एंट्री करना अलाउड नहीं है। और हम जिस दिन गए थे उसी दिन को हुए हुप चर्च में एक शादी हो रही थी, तो हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली चर्च में एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो द ट्रेसेस ऑफ एस्टेरॉयड दैट हिट अर्थ 66 मिलियन ईयर्स अगो, जिससे कि वर्ल्ड की आधे से भी ज़्यादा एनिमल और प्लांट स्पीसीज खत्म हो चुकी थी, इंक्लूडिंग द डायनासोर्स। स्टीवेंसक्लिंट की हम लोगों की ये शॉर्ट ट्रिप की एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये जगह की नेचुरल ब्यूटी है ही इतना सुंदर। आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। कुकिंग रिलेटेड वीडियो के साथ साथ इस तरह की वीडियो मैं बीच बीच में लाती रहूंगी आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी दुनिया में जुड़ जाए। और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर देना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।